हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आप देख सकते हो अपने सामने, आप सोच रहे होंगे कि हम ये दो हूबहू बाइकें एक दूसरे के साइड साइड में क्यों खड़ी कर रखी है। बट गाइस, ये हूबहू बाइकें नहीं हैं। आपको बता दूं, मैं लुक्स में हूबहू भले ही हो ये, बट आप देख सकते हो साइड से ये 390 है, वो 250 है। सो आज हम इनका कंपेरिजन करेंगे, आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, तो वो चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन दोनों बाइकों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों बाइक में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, फ़र्क बताएंगे, कंपैरिजन ये वीडियो होने वाली है। सो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो आप एक बार दोनों के लुक्स देख लिए जी फ्रंट से। ये दोनों ही बाइकें KTM की है, ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390। सो लुक सेम है। आप इनको अगर पहचानना चाहते हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ नंबर प्लेट लगी है उन जगहों को देखिए, उसकी थोड़ी ऊपर है खाली जगह, क्योंकि इसके नीचे है मीटर के नीचे। इस पर हमें कोई भी TFT कंसोल नहीं मिलता, ये सिंपल सा एक कंसोल मिलता है, उस पर हमें TFT कंसोल मिलता है। आपको हम यहाँ से दिखाएँ तो ये कुछ है दोनों बाइकों का। अब आप देख के समझ पा रहे होगे कि दोनों बाइकें अलग है। सो सीधा सीधा हम पहले बात करेंगे कि इन बाइकों में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंस है गाइज, सीधा सीधा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है अपना प्राइसिंग का। ये ड्यूक 390 इससे 60-70 हज़ार रुपये महंगी है, ठीक है। अपनी 270 की आई थी ये बाइक, तो ये आप मान सकते हो 330 के करीब इस बाइक का कॉस्टिंग है। एंड दूसरा इसकी पावर CC वो 250 या 390 है, तो आप देख ही सकते हो दोनों में कितना फ़र्क है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और एक TFT स्क्रीन एंड उसके अंदर हमें मिल जाता है राइड बाय वायर, जो कि हमें अपनी ड्यूक 250 के अंदर नहीं मिलता। और फिर दूसरी बात है अपनी TFT स्क्रीन की, TFT स्क्रीन अलग है। एंड एक स्लीपर क्लच दोनों के अंदर है, बट 390 के अंदर हमें मिलता है क्विक शिफ्टर। और लोगों का कहना कि क्विक शिफ्टर इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि इतना स्मूथ है नहीं, बट वो एक ओनर से प्रीव्यू है, अगर आप कमेंट कीजिए हम आपको बताएंगे। सो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं। सो अभी हम इनकी सिमिलरिटीज देख लीजिए। दोनों के फ्रंट व्हील सेम है, सस्पेंशन सेम है, LED DRL सेम है, एंड अपना टैंक कैपेसिटी भी सेम है, पीछे का जो सस्पेंशन है वो भी सेम है, दोनों में एग्जॉस्ट हमें मिलते हैं, एंड मतलब ओवरऑल पूरी बाइक सेम है। बस हमें ज़्यादा क्या मिलता 390 में, पावर, TFT स्क्रीन, जो कि TFT स्क्रीन बिल्कुल जन्नत जो बोलते हैं वो चीज़ है। हम जैसे राइडर्स इसको मिस करते हैं TFT स्क्रीन को, अगर हम इसको बंद करें तो इसके अंदर कुछ लिखा आता है ऐसे, रेडी टू रेस, अगर आप देख पाए हो तो। एंड इसके अंदर सिंपल सा एक डिस्प्ले जिसका कोई मतलब नहीं बनता, अपग्रेड इनको करना चाहिए। एंड अभी हम बात करेंगे कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर गाइज आप बिगनर राइडर हो तो आप 250 पे जाइए, बिकॉज 390 के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, उसको संभालना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि बेकाबू वो बाइक हो जाती है जब किसी भी बिगनर राइडर के हाथ में वो आती है। एंड 250 काफ़ी अच्छी है, माइलेज का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हमें अपनी 390 बहुत कम माइलेज देती है, अप्रोक्स कह सकते हैं 20 से 25 की। एंड अपनी ड्यूक 250 30 के अराउंड, 25 से 30 मतलब डिफरेंस है गाइज, पावर है तो माइलेज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो अगर आप बिगनर हो तो ड्यूक 250 पर ही जाइए, क्योंकि 390 बहुत ज़्यादा पावर है, जिसका मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता पावर, इतनी पावर को यूज़ करना। हाँ,
अगर आप फिर भी चाहते हो कि 390 पे ही जाएं क्योंकि हमें उसके फीचर्स अच्छे हैं ये हैं, तो आप थोड़ा सा सेफली ड्राइव करना। वैसे तो काफ़ी अच्छी बाइक है ये, बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड है, राइडर के ऊपर है कैसा राइडर है। सो आप लोग बताइए आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी। सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में, सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइज़।